सो हे गाइस, आज करेंगे वापस से हम ओरेकल रीडिंग। एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इस वक्त राइट नाउ जो करंट एनर्जी है वो क्या शो कर रही है, यूनिवर्स आपको इस वक्त कौन सा मैसेज देना चाहता है, क्या करना चाहिए इस वक्त आपको, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है या जो भी आपका क्वेश्चन या प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपको। जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट आस्क योर क्वेश्चन, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, थोड़े टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए एंड जस्ट फोकस ऑन योर करंट एनर्जी। इन कार्ड्स के एनर्जी के ऊपर फोकस करिए, ओके। एंड हम एक कार्ड यहाँ पे पिक करेंगे एंड इट विल बी योर डिवाइन जनरल गाइडेंस, ठीक है। हो सकता है ये रीडिंग आपको रिलेट ना भी करे, स्टिल यू कैन टेक इट एज अ गाइडेंस, ओके। सो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है, क्या गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। स्प्रेड कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स पिक अ सिंगल कार्ड। तो सो गाइस, कार्ड यहाँ पे आया है, लेट मी फोकस। ट्रस्ट योर पाथ, इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू। देखिए क्या कह रहा है ये मैसेज, ध्यान से समझिए। जो भी चीज़ या जो भी आप एक्शन ले रहे हो, जो भी डिज़ायर के पीछे आप लगे हुए हो, जो भी ट्रैक पर हो, यू आर ऑलरेडी ऑन राइट ट्रैक, ओके। सो जस्ट ट्रस्ट योर पाथ, इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड। मतलब कि अगर आपको पता हो कि अगर आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है तो आप क्या करते हैं? सो इनडायरेक्टली यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है एंड आगे भी करेगा। सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कीप गोइंग, ठीक है। बिकॉज आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो, इट विल वर्क फॉर यू, ठीक है। वो आपके लिए सही है एंड आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पे। सो जस्ट कीप गोइंग। सो जितने भी लोग हैं वो इस कन्फ्यूजन में है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही है गलत, देन यू आर ऑलरेडी ऑन राइट ट्रैक। सो उसके बारे में अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, कीप टेकिंग एक्शंस, ओके। एक्शंस लेते रहिए, गिव अप नहीं करना है एंड आप अपनी जो भी जो मंजिल है या जो भी आपकी यू नो विशेस है, ड्रीम्स है, उसको बिल्कुल मैनिफेस्ट कर लेंगे। सो दिस इज़ वंडरफुल नाइट रिमाइंडर फॉर यू। सो क्लेम इट राइट नाउ, बिल्कुल ही आप इसको यू नो इम्प्लीमेंट करना, इग्नोर मत करना एंड ये आपके लिए ब्लेसिंग है, आपको ज़रूर हेल्प करेगा एंड आई विश यू द बेस्ट। एंड फिलहाल यही था इस रीडिंग में। आई होप आपको ये रीडिंग भी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।